नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमाचल प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। माय स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं प्रोडक्शन कंट्रोलर राजेंद्र खंडूरी जी। ये रहने वाले देहरादून के हैं और इन्होंने मुंबई में बहुत काम किया फिल्मों में और ईमानदारी से काम किया है, और उसका क्या फल मिला इनसे पूछते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र खंडूरी देहरादून का रहने वाला हूँ। बम्बई में मैंने एज ए प्रोडक्शन डिजाइनर प्रोडक्शन मैनेजर काम किया है। Yes. मैं 1981 में डीएवी से एमए इकोनॉमिक्स से फर्स्ट ईयर किया था। उसके बाद मैं बम्बई, मामा जी मेरे प्राण के साथ कार्य करते थे तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया तो मैं वहाँ पर बम्बई में गया। प्राण मतलब वो फिल्म आर्टिस्ट। फिल्म आर्टिस्ट मैं उनके साथ। अच्छा, प्राण फिल्म आर्टिस्ट चलो वो तो मैंने देहरादून में एमए करने के बाद बम्बई कैसे जाना हुआ और आपको किसने बुलाया? मामा जी थे बम्बई में तो हमारी माता जी ने कहा कि भाई यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो इसको यहाँ से देहरादून से तुम यहाँ से दूर चले जाओ। क्यों? यहाँ का माहौल बड़ा बदमाशों का इलाका था। यहाँ उस समय डीएवी में हम यहीं एजुकेशन हुई थी और डीएवी का एजुकेशन का मतलब देहरादून में तो बहुत माना हुआ स्कूल था। और उस समय शायद देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। हाँ, उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था देहरादून। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मामा तो मेरे को एकदम दिमाग में आया कि चलो भाई वहाँ तो कम से कम नौकरी मिल जाएगी, 2-3 हज़ार की नौकरी उस समय मैं सोचता था बहुत है मेरे लिए। कीमत भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो एमए किया हुआ हिंदी मीडियम का था, वैसे क्या नौकरी मिलेगी? तो प्राण ने मिला के गुलजारी लाल नंदा जी से मिल के और उन्होंने कहा मुझे सिरोक होटल में वहाँ जॉब दे दिया। तो मैंने सिर्फ एक ही दिन जॉब किया, उससे अगले दिन पता चला कि प्राण ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और उसमें वो उनका बेटा सुनील सिकंद वो अपनी पिक्चर शुरू कर रहा है। तो उनके सीए थे जोशी जी, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार ये तुझे लिखा पढ़ इंग्लिश उंग्लिश तो आती होगी। मैंने कहा नहीं, अकाउंट वाउंट तो लिख लूँगा। तो मुझे उन्होंने वाउचर वाउचर दे दिया कि जो आर्टिस्ट को पेमेंट करेगा मैं बोलता रहूँगा तुमको देते रहे। यहाँ से मेरा काम शुरू हुआ एज ए अकाउंटेंट। आपने कभी सोचा था कि फिल्म लाइन में काम करेंगे? नहीं, कभी इसका मतलब नहीं था फिल्म लाइन, क्योंकि मेरा सिर्फ ये था कि जो मेरे दो छोटे भाई थे, फादर की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी तो मैं अपने भाइयों का कैसा भरण पोषण करूं, इसीलिए मैं यहाँ से देहरादून से बाहर निकल के मैंने कहा चलो कुछ घर में पैसे भेजता रहूँगा, भाई मेरे पढ़ते रहेंगे और यहाँ जमीन जमीन थी हमारे पास। तो मैंने कहा चलो वहाँ बनने के बाद फिर मैं भाइयों को बुला के किसी को फिट करके आराम से उनकी जीवन भी और मेरा भी जीवन चलेगा। लेकिन फिल्म लाइन से तो मैं मतलब ही नहीं समझता था। जो मैंने कहा मामा जी प्राण के साथ हैं, कहीं कहीं नौकरी लगाई देंगे, वो बड़ी पहचान होती थी उस समय। तो आप प्राण के बारे में जानते थे कुछ पहले? हाँ, प्राण के बारे में नहीं, इतना कुछ नहीं जानता। तो वहीं जाने के बाद 25 यूनियन पार्क में मामा जी ने मुझे बुलाया तो प्राण को मैंने पहली बार देखा। और जब उनका अपना प्रोडक्शन शुरू हुआ तो मैंने पहली बार प्राण को, डैनी को और ये आपके सुनील सिकंद जो उनके बेटे थे जो पिक्चर के डायरेक्ट कर रहे थे उनको मैंने पहली बार फिल्मिस्तान स्टूडियो में जिनका मुहूर्त किया उस समय मैं वहां था। एकदम नॉन फिल्मी आदमी जिसे फिल्मों में जाना भी नहीं था वो फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गया, वहां पर जो कार्य शुरू हुआ उसके बारे में संक्षेप में बताइए। उस समय प्राण की पहली फिल्म फरिश्ता उन्होंने डायरेक्ट की, उसमें डैनी डेंजोप्पा प्लस प्राण सिंह आपकी कौन सी थी तो मर गई, वो राज कपूर के साथ शादी की थी, क्या नाम उसका, अरे तो हो गया उसमें बोल दिया मैंने, सीमिता पाटिल के साथ इन्होंने फिल्म शुरू की। तो जोशी जी का उनका बेटा सीए, जोशी जी सीए थे, उनका बेटे का नाम राजेश था। तो उन्होंने कहाँ राजेश, क्या राजेंद्र नाम तुम्हारा एक पुराना है, राजेंद्र नाम तुम्हारा पुराना है, इसमें अपना नाम तुम राजेश रखो। और एज ए अकाउंटेंट मैंने काम वहाँ शुरू कर दिया। तो उधर आपको कितने पैसे मिलते थे? उस समय मुझे उन्होंने पहले 100 रुपये दिए, पेमेंट करने के 100 रुपये दिए, ठीक है 100 रुपये दिए उन्होंने। यह है 1981 की बात, फिल्मिस्तान स्टूडियो में मुहूर्त हुआ था उस समय शुरुआत। और उसके बाद उनके जोशी सीए ने कहा, बोला यार ये तो अच्छा है, इसकी राइटिंग भी, हैंड राइटिंग अच्छी है। तो उन्होंने मुझे सनम तेरी कसम में एज ए अकाउंटेंट 300 रुपये पर मंथ वहाँ मुझे रख दिए। और उन्हें कन्वेंस मिलता था? कन्वेंस नहीं था, ट्रेन का मुझे पास बना के दे दिया था और 300 रुपये महीने पे मुझे उन्होंने रख लिया था। और मैं 16 खार रोड पे
रीना राय के यहाँ सनम तेरी कसम में एज ए अकाउंटेंट काम करता था। और तब आप रहते कहाँ थे? मैं मलाड़ में मामा जी के पास ही रहता था, एक चाली थी मामा जी पुरार विलेज में, वहाँ मैं उन मामा जी के साथ रहता था। सनम तेरी कसम के बाद आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़े? सनम तेरी कसम के बाद एकदम मुझे जोशी जी सीए थे तो वो बहुत फिल्मों में काम करते थे, जाते थे, तो मैं चलते चलते फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था तो उस समय वहाँ पर रतन मोहन अग्रवाल, वो उनकी मुलाकात हुई, बोला ये बड़ी फिल्में बनाते हैं, शत्रुघ्न को हीरो बनाने वाले यही हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इनके यहाँ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया रतन जी ने कि ऑफिस में आओ, तो मैं गया, उन्होंने मुझे 2000 रुपये पर मंथ में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर रख लिया। उनके फिल्मों में तीन तीन प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे, तो मुझे सारा पेमेंट का भार सारा उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैं वो पहली फिल्म मेरी वो थी जिसका नाम था माविया, जिसमें राजकुमार, धर्मेंद्र और आपका शत्रुघ्न सिन्हा और साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट और दारा सिंह हो गया, रंजीत हो गया, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, क्योंकि एक्शन फिल्म उस समय 5 करोड़ की फिल्म हुआ करती थी, उस समय हुआ 5 करोड़ की फिल्म थी, उस समय बजट था। एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, वैसे मैंने प्रोडक्शन कंट्रोलर काम किया था लेकिन मैंने उस समय पहली मेरी फिल्म थी एज ए प्रोडक्शन मैनेजर माविया। तो उन दोनों क्या कोई प्रोडक्शन क्वेश्चन हुआ करता था, आपको कोई कार्ड वगैरह बनाना पड़ा या? ना कार्ड का था, मैंने कोई प्रोडक्शन का, मुंबई के अंदर तो बहुत बड़ा है, वहाँ तो एसोसिएशन थी, आप शिवसेना के बड़े बड़े कोई भी कामगार के आपको बनाना पड़ता था, मैं पहला ऐसा आदमी था, मैंने कहा कोई बात नहीं मेरे को किसी का नहीं लेना। मैं प्रोड्यूसर ने कहा कि मैंने कहा प्रोड्यूसर का आदमी, मेरे कोई एक्सीडेंट होगा कुछ होगा मैं जानूंगा, मैं पैसे नहीं भी मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को किसी का कार्ड नहीं बनाना। मैंने कोई कार्ड नहीं बनाया इतने सालों तक, मैं किया 81 से लेके 92 तक बमलास तक मैं बम्बई में रहा, अच्छा काम किया लेकिन मैंने कोई कार्ड नहीं बनाया। एज ए प्रोड्यूसर मैनेजर आपकी जो पहली फिल्म थी महावीरा, उसमें काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उन दिनों के हिसाब से भी और आज भी, कैसा रहा उनके साथ काम करके आपका अनुभव? मुझे उनके साथ, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ बम्बई में, मैं मामूली नौकरी के लिए जाने वाला आदमी और इतने एकदम इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, राजकुमार, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, डिंपल कवाड़िया, इन आर्टिस्टों के साथ मैं काम करने के लिए मुझे मौका मिला, मैं सोच भी नहीं सकता था। और बहुत अच्छे तरीके से सबका बहुत अनुभव था, राजकुमार जैसा मुझे आर्टिस्ट इन सब में नहीं मिला ना, वो बेचारे आज नहीं रहे लेकिन बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट थे। और उनका आप लोगों से व्यवहार कैसा रहता था? बहुत बड़े हिसाब के आदमी थे लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत चाहे कुछ भी कहो, वो आर्टिस्ट को प्रोड्यूसर को बहुत गलत तरीके से प्रस्ताव करते प्रेजेंट करते थे। रतन मोहन को कहते थे रतनी, मतलब उनका कहने का तरीका होता था ना, वो हमेशा पता नहीं क्यों दूसरे को डाउन करने के लिए करते थे। नरेश सहगल जिन्होंने उजाला उनके साथ की थी, बहुत उनके साथ डायरेक्टर का काम करना कोई आसान बात नहीं था, बहुत ही खतरनाक आदमी थे लेकिन वो काम करने के लिए वन टाइम एकदम वो काम करते थे फट से, कोई भी वो रिटेक जल्दी से करते नहीं थे। एक बार उन्होंने समझ लिया उसके बाद वो एक ही बार देखने के बाद पूरी जितना भी देर तक का वो पूरा पिक्चर का फ्रेम अपने हिसाब से बनाते थे और एकदम क्लियर करते थे। उस समय हमने पर डे 1,00,000 रुपये पर डे एक दिन का राजकुमार को किया था, 20 लैक्स में उन्होंने महावीरा 20 दिन शूटिंग के लिए दी थी। और साथ के दूसरे जो कलाकार थे बड़े, धर्मेंद्र जी थे, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, तो उनमें ये था कि धर्मेंद्र जी का हिसाब किताब थोड़ा मुझे ऐसा है कि हमारे टाइम वो ड्रिंक तो शुरू से ही करते थे वो, और उनके साथ जो गाड़ी में जो ब्रेक हुआ करता था लेफ्ट राइट साइड में, उनकी वहाँ पर मेरे ख्याल से दारू की जो बॉटल हुआ करती थी लेफ्ट राइट साइड में रहती थी उनके गाड़ी के गियर में, तो उनके साथ जो बॉय था उनका वो तो उनको फाइट सीन में उनको पैक बना के देता रहता था, बोला नहीं जाता उसे ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। और धरती तो कहीं मना भी नहीं किया कि वो तो बोलते भी अक्सर इंटरव्यू वगैरह में कि मैं तो बोलते थे। और जहां तक मैंने महावीरा फिल्म की 99% हमेशा पी के ही उन्होंने सारी शूटिंग की।
बट उन्हें मजा आता था काम करने में। काम करने में बड़े मजा आता, लेकिन वो कहते थे कभी सीन देते थे तो कहते थे धर्मेंद्र से इससे ज्यादा और क्या लोगे तुम, धर्मेंद्र से जो धर्मेंद्र ने एक बार टेक दे दिया उससे ज्यादा और क्या लोगे, धर्मेंद्र सिंह की जो एक्टिंग है वो मेरी आवाज है गाने से लेके वो तक जो मैंने एक बार कर दिया तो उससे अच्छा और क्या कर सकता हूँ। वीरू देवगन जी के साथ वो सीन चल रहा था उनका, बहुत अच्छा कमाल का सीन था। बाकी जिन जितने भी चाहे आर्टिस्ट थे सब बहुत हेल्पफुल थे और बड़े अच्छे तरीके से काम करते थे। और शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जी क्योंकि जितनी रतन मोहन जी कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा को जब भी कोई फिल्म शुरू करते थे शत्रुघ्न सिन्हा को ये पता होता था कि ये मेरी फिल्म में काम करने चाहे छोटा, वो रोल कभी नहीं सुनते थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, हाँ मेरे रोल है चलो ठीक है, उनका लेन देन हुआ करता था, वो जो भी दे दिया उनको सेट साइनिंग अमाउंट फिर उनको जब देना होता रतन मोहन जी दे देते, लेकिन उन्होंने पैसों के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कभी कभी नहीं किया होगा, बाकी सभी आर्टिस्ट पैसों के लिए तो बड़ा परेशान करते थे ठीक है, लेकिन कभी उन्होंने परेशान नहीं किया, बाकी आर्टिस्ट सब बहुत कमाल के थे। उसके बाद उस फिल्म के बाद करते करते मैंने उसके बाद भाग्यवान गोविंदा की, पाप की आंधी धर्मेंद्र की, डायरेक्टर बाय मेहुल कुमार, और मैंने 5-6 फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में एज ए अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, और करते करते मुझे ये लगा कि उत्तराखंड के लिए भी कोई काम करूं, उत्तराखंड के लिए काम करूं, तो मुझे एक मिला बम्बई के अंदर कि भाई उस समय यूपी था, उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट आया है आप कुछ कर सकते हो, तो मैंने कहा चलो, तो उस समय हमने गढ़वाली फिल्म रेवार, तो जो आपने गढ़वाली फिल्म की उसके बारे में बताइए। गढ़वाली फिल्म रेवार, मैं हिंदी फिल्म का आदमी था, वहाँ पर जो है बॉम्बई के अंदर गढ़वाली फिल्म के प्ले हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े प्ले हुआ करते थे, तो मुझे बुलाते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने कहा एक गढ़वाली फिल्म बना रहे हैं हम लोग और आप करो, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो मैंने कहा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। हम लता मंगेशकर के पास गए, लता मंगेशकर जी के पास गए, हमने कहा गढ़वाली फिल्म का गाना गाना है, तो देवी प्रसाद सिंहवाल जो इसके राइटर थे जिन्होंने गाना लिखा है इसमें, तो उनके साथ लता जी के पास गए, हमने कहा गढ़वाली फिल्म का श्री गणेश हमने इसी से ही किया, जिस फिल्म का नाम रेवार गढ़वाली के लिए संदेशा, पहाड़ के लिए संदेशा था कि हम लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट चुना तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर उसमें काम किया, जितना 8-9 लाख की फिल्म बनी थी सारा पैसा मैंने अपने हाथ से खर्चा किया, उसमें प्रोड्यूसर था किशन पटेल, जबकि गुजरात के होने के नाते उन्होंने किया, लेकिन हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है फिल्मों का जो कि जो पिक्चर बनाता है खुद ही हीरो बन जाता है। पहाड़ की सबसे बड़ी बहुत बड़ी समझ लीजिए आप बैक जो बैक गलत है वो यही है जिसमें वो खुद ही एक्टर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बनाएंगे वो बेचारे को करके अच्छा, उन्होंने कहा लता मंगेशकर है, प्रोड्यूसर बड़ा खुश हो गया, लेकिन आर्टिस्ट तो ठीक है ही है, एज एज ए स्टेज आर्टिस्ट तो ठीक थे, लेकिन फिल्मों में तो होना चाहिए चार्म होना चाहिए, तो उन्होंने बस खुद ही हीरो बन गया खुद ही डायरेक्टर बन गया, तो ये सारी सबसे बड़ी जो है हमारी पहाड़ की जो है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे जो गलत टाइम वो था वो यही था कि खुद ही आर्टिस्ट हीरो बन जाए खुद ही एक्टर बन जाए, सब कुछ बनने के बाद पिक्चर का तो सत्यानाश हो जाता था, वही हुआ, सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद आप बॉम्बे में शायद आपने कहा 92 तक काम किया आपने, 1992 तक मैंने काम किया, तो आपकी आखिरी फिल्म कौन सी थी वहाँ? आखिरी फिल्म मैंने गोविंदा की भाग्यवान। फिर आपने बॉम्बे छोड़ क्यों दिया? फिर बॉम्बे छोड़ा इसलिए 92 में बम ब्लास्ट के हो गया था, बिटिया थी एक गोद में छोटी बिटिया थी, अब क्या करें, अब वहाँ सारा जितने फाइनेंसर थे सब सऊदी अरब के थे, हमारी जो पिक्चरों में थे सब सऊदी अरब के थे, तो अब फाइनेंस का सब सिस्टम बम ब्लास्ट के बाद सारा चेकअप होने लग गया, सब पकड़ धकड़ होने लगी, तो फिर मैंने कहा अब क्या करें, तो फिर मैं देहरादून आ गया, और फिर मैंने बहुत कोशिश की वापस जाऊं, कोशिश भी की, लेकिन फिर फिल्म का जो जो ढांचा था वो सारा बदली हो गया, फिर आपका ये टीवी सीरियल में आ गया सब कुछ, हमारे टाइम सब सिनेमास्कोप फिल्में हुआ करती थी, रीलों का टाइम था, ये डिजिटल का टाइम नहीं था, तो सारा सिस्टम था, तो ये इसी तरह से हुआ, बस अपनी जिंदगी गुजर बसर यहीं करनी पड़ी।
फिल्म इंडस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यह पोस्ट होता है, वो होता है प्रोडक्शन कंट्रोलर का। प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम होता क्या है, उसके काम के घंटे क्या होते हैं और उसको क्या उतना पैसा मिल पाता है जितना मिलना चाहिए? प्रोडक्शन कंट्रोलर जब वो बनता है तो वो सोचता है मैं खुद ही मालिक हूँ, तो उसको कोई टाइम नहीं होता, उसका 24 आवर्स होता है। किसको डिजाइनिंग कर, किसको उस पिक्चर में उस कैरेक्टर के हिसाब से किसको चुनना है, किसको किस किसको उसमें कैसे गाने होने चाहिए, ये डिजाइनिंग करना होता है। ये डायरेक्टर के साथ मिलके हम लोग डिजाइन करते हैं कि ये कौन कौन से आर्टिस्ट आपको चुनने हैं, और बाकी इसकी तो कीमत कोई नहीं होती है, लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि हम प्रोड्यूसर हैं, खुद ही मालिक हैं, और ईमानदारी से हम 99% को लोग ईमानदारी से काम करते हैं, बाकी उसका मेहनताना मिलता नहीं है। बाकी आप ये सोचें कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन करने के बाद तुम्हारे पास क्या था और क्या था, मैं जब बम्बई आया था कुछ नहीं, सब कुछ नहीं लेके आया था, ना कुछ ना मेरे को मिला, ना कुछ नहीं। फिल्म लाइन में जो आपने काम किया अभी तक एज ए प्रोड्यूसर मैनेजर कंट्रोलर या अकाउंटेंट या जो भी काम किया आपने, आपके कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, और लेकिन मैंने ये देखा कि जो प्रोडक्शन काम करता है उसको 1-2% कमीशन ऐसा ही मिलता है, तो 5-5, 10-10 लाख के सेट लगा करते थे, उसमें 1% लगाओ कितना हुआ करता था, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ 1 रुपया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कि मैंने कहा चलो अब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, कल मैं खुद अपनी फिल्म बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में, उससे मेरा अपना नाम होगा। मैं देहरादून में रहता था, तो उसमें मेरे सर्किल का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस लाइन पे जो कोई इतनी ऊंचाई पे रहा होगा उस समय देहरादून का, लेकिन अपना अपना किस्मत होती है आदमी, इसलिए मेरे को खैर मुझे किसी उससे अपना किस्मत से कोई वो नहीं है कि चलो मुझे जो भी मिला अच्छा मिला, बाकी ठीक है जो है अच्छा अच्छा। तो एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर काम करके आपको हासिल क्या होगा? हासिल तो चलो मेरा, मुझे नहीं लगा पैसों के हिसाब से मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ, अगर मैं थोड़ा भी 1% भी अभी कमीशन लेता जो कि जायज हुआ करता, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भाई अब पैसा मिले मैं कैसा कमाऊँ, मैंने कहा आज नाम कमा लूंगा तो पैसा मेरे पास अपने आप आ जाएगा, जबकि मैंने कहा कि क्या ना, उसके बाद एकदम बम ब्लास्ट हुआ 1992 में, मुझे यहाँ आना पड़ा, एक बेटी थी उस समय, फिर यहाँ आके दूसरी बेटी हुई, फिर बेटा हुआ, तो लेकिन बच्चों को कोई रोग नहीं रहा, अच्छे बच्चों को पढ़ने में रहे, तो आज मैं इस लायक हूँ जो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं तो अंधेरे कुएं में था बिल्कुल, जो मेरा अनुभव था इतना सब शून्य था, जो मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ जो मेरा अनुभव था मैं शून्य हूँ, जब इतनी बड़ी लेवल पर मैंने काम करने के बाद, बोलने की बात नहीं है, इतने बड़े लेवल के करने के बाद उसके बाद मैं इस पोजिशन में रहा, और जो देहरादून में आने के बाद जिसने जिस तरह का काम किया मैंने, गाय पाली, ये किया है? तो वो आम आदमी ये सोचे तो वो कर नहीं सकता था। आपने फिर से स्ट्रगल किया देहरादून आकर के और फिर खड़े हुए? फिर स्ट्रगल किया दोबारा आए, तो जीएस बाजवा जी जो है ये बम्बई में मेरे साथ 18-20 साल हम साथ में रहे, अभी तक साथ में हैं, तो इन्होंने कहा चलो भाई साथ में काम करते हैं, तो इनके साथ करते करते अब मैं मुस्लिम का काम कर रहा हूँ, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी पंजाबी एल्बम सरसों का साग, उसमें भी हमने साथ में इनके साथ काम किया, आगे बाजवा जी काफ़ी कुछ इसके लिए मशरूम के लिए सॉन्ग करने वाले हैं साथ में, चलो हमने कहा मिलजुल के, और एक अपने अपने लाइफ के लिए एक स्टोरी लिखाई है इन्होंने, उसमें नजीमाबाद से प्रसारण हुआ था, उसमें ये काम करना चाह रहे हैं। तो आपकी जो आज की सबसे बड़ी पूंजी है यानी आपकी औलाद, वो क्या कर रही है अभी? देखो ये माँ बाप का आशीर्वाद रहा, जिस पोजिशन में मैं मुंबई से आया था तो मैं तो समझता था भाई मैं तो दिमाग से कुछ नहीं समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने बीटेक एंड बायोटेक प्लस एमबीए ग्राफिक की रक्षा किया, गोल्ड मेडलिस्ट है, दूसरी बेटी ने मेरी मास कम्युनिकेशन दून यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, मैं उनकी फीस भी टाइम पे जमा नहीं कर पाता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के कारण उन्होंने ऐसा काम किया कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने इनको कब तक पढ़ा लिया, आज वो पढ़ने अपने पैरों में दोनों बेटियाँ खड़ी हैं, बेटा मेरा HM कर रहा है और वो भी अभी कहता है कि माँ बाप मेरे को बाहर आप भेजो, तो मैंने कहा ठीक है, उनके आशीर्वाद से मुझे ये लगा नहीं कि जिस तरह से मैं बम्बई में जो मेरा बैकग्राउंड था मैं कहाँ से कहाँ रहता आज मेरा नाम होता, लेकिन मैं इसमें अब दिल में तसल्ली है मेरी ईमानदारी के कारण या जो भी समझो,
जो अगर मैं थोड़ा भी 1% भी मैं किसी ले लेता पैसा, तो मैं आज लाखों लाखों रुपए उस समय बम्बई के अंदर में छाप देता। लेकिन मुझे अभी बच्चे मेरे जो मेरी पूंजी है, बीवी मेरी टीचर है, वो भी अपने पैरों में खड़ी है, मेरे बेटियां हैं दोनों, बड़ी गली की मैरिज कर दी है, वो भी अपने पैरों में खड़ी है, 70-80-50-60 हज़ार वो भी कमाती है, दूसरी बेटी भी 50-60 हज़ार, बेटा भी मेरा अपना एग्जाम कर रहा है, वो भी अपना ट्यूशन पढ़ा के अपना सब अपना अपने अपना सब खा रहे हैं, आराम से है जिंदगी जीवन जीत रही। बहुत खुशी की बात है कि आपने ईमानदारी को छोड़ी नहीं और ईमानदारी ने आपके साथ वापस किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ईमानदारी के इसलिए कह रहा हूँ मैं, ईमानदारी का जैसे इस समय मैं रहता तो मैं कहाँ जाता, जो बम्बई से आदमी आया हो उसने गाय का काम किया हो, ये मैंने छोड़ा नहीं स्ट्रगल, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, नहीं तो मैं दिमाग से ऐसा हो जाता कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना कि यार टेंशन रहती, मैं बात ही नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच।